Today in this video, I will be discussing about CUET and what should be your master plan to crack CUET with a good score. And remember, the journey of thousand miles begins with a single step. Are you a CUET aspirant and looking for everything under one roof? Then yes, you are on the right platform we are here to ace your cuet preparation myself shilu your economics educator mentor and your guide at vidyarthi pro online learning platform today in this video i will be discussing about cuet and what should be your master plan to crack cuet with a good score common university entrance test गेट वे टू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी 2022 से पहले चाहे वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो स्टेट यूनिवर्सिटीज हो वहां पर हमें एडमिशन लेने के लिए हम उन यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम दिया करते बट टू ऑल द प्रॉब्लम्स वी हैव वन सोल्यूशन दैट इज सी यू ई टी विद द इवोल्यूशन ऑफ टाइम सी यू ई टी बॉट अ रिवोल्यूशनरी चेंज दैट इज by giving one common exam you can get admission to your dream university also i would like to draw your attention to the fact that in 2023 it's not just central university state university deemed university but also many private universities are also going to consider cuet scores so you can understand the importance of the exam okay so now let's talk about strategy strategy to crack cuet exam with a good score kisi bhi kaam ko karne se pehle hum planning karte hain in the same way aapko bhi ek planning karni hai planning ke liye aapko ek schedule banana hai वहाँ पर आपको सारे topics लिखने हैं तीनों sections को ध्यान में रखते हुए तीनों ही sections के आप सारे topics को jot down करिए उसमें से जो भी आपके weak areas हैं स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं आप उसे एनालाइज करिए आई मीन दैट सेल्फ इवेल्युएशन इज इम्पॉर्टेंट यू ट्राई टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड योर स्ट्रांग एरियाज जो भी आपके वीक एरियाज हैं आप उनको टाइम दीजिए इवन टाइम आप अभी से देना शुरू कर दीजिए लाइक like, uh, उन टॉपिक्स को आप डेली कवर करिए ध्यान में रखते हुए कि सी यू ई टी के तीनों ही सेक्शंस को आप कवर कर रहे हैं सो नाउ द सेकेंड पॉइंट इज क्लास बोर्ड्स, लेट मी टेल यू कि सी यू टी के आने से हमारे बोर्ड्स की वैल्यू कम नहीं हुई है बल्कि ये और ज्यादा बढ़ गई है ऐसा मैं इसलिए कह रही क्योंकि जो आपका जो था, 600 का, आप उसे easily, अगर आप अगर आपको ये सिक्स हंड्रेड मार्क्स चाहिए यू जस्ट कवर दिस ट्वेल्थ बोर्ड्स यू कैन ईजिली स्कोर 600 now for this you have to cover only class 12th ncrt because ncrt ke beyond kuch bhi nahi right and also it is a and also a piece of advice i would like to give to all the isc and other board students please refer ncrt books please do refer class 12th ncrt books राइट एंड ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंस इज देयर दैट इज इन अ टाई ब्रेकर सिचुएशन योर क्लास ट्वेल्थ मार्क्स विल बी कंसिडर्ड मतलब ये है कि अगर दो बच्चों के या दो कैंडिडेट्स के अगर सेम मार्क्स आते हैं तो उसमें मतलब कि सी यू ई टी का सेम स्कोर अगर आता है तो उस केस में जो ट्वेल्थ बोर्ड्स के जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे ऑफकोर्स उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा ओके सो नाउ योर थर्ड पॉइंट इज शॉर्ट नोट्स जनरली होता क्या है कि वाइल्ड प्रिपरेशन वाइल्ड स्टडिंग हम चीजों को मार्क करते हैं हम बुक्स में बुक मार्क लगा देते हैं या पेजेस को फोल्ड कर देते हैं कि एट लास्ट मतलब हम इसे रेफर करेंगे या एग्जाम के पहले पढ़ के जाएंगे और ये पता नहीं चलता है एग्जाम प्रिपरेशन तक काफ़ी चीजें हमारे इंपॉर्टेंट मार्ग रह जाती हैं हमारे पास कई सारे पीडीएफ्स होंगे कई सारे स्क्रीनशॉट्स होंगे राइट और ट्रस्ट मी एट द एंड ऑफ द डे नथिंग विल बी यूजफुल वॉट विल फेच यू मार्क्स विल बी योर ओन मेड नोट्स तो आप एक हैबिट बनाइए आप अभी से एक आदत डालिए कि जब भी आप पढ़ें साइड बाय साइड आप अपनी लैंग्वेज में आप चीजों को प्रिसाइज नोट्स आप तैयार करते जाइए राइट right? इससे होगा क्या कि ये आपके रिवीजन में एज अ बूस्टर की तरह ये काम करेगा राइट सो नाउ द फोर्थ पॉइंट इज रीडिंग न्यूज़पेपर्स, इट्स वेरी सिंपल कि लैंग्वेज टेस्ट में आपने जो लैंग्वेज आपने ऑप्ट करी है आपको उसी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स को रीड करना है फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ऑप्टेड इंग्लिश लैंग्वेज देन प्लीज रीड इंग्लिश न्यूज डेली इससे आपको तीन फायदे मिलेंगे पहला ये कि जो आपकी रीडिंग एबिलिटी है ये एनहेंस हो जाएगी दूसरी बात कि आपके जो वोकैब है वो एनहेंस होगा अब ये दोनों ही चीजें आपके लैंग्वेज टेस्ट में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी क्योंकि रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है आपका आप उसे कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे एंड एंटोनिम और सिनोनिम भी आप इजीली टैकल कर सकते हैं थर्ड बोनस पॉइंट इज की आपका जो करंट अफेयर्स है यानी कि आपका जो विद इन uh, अगर आप लास्ट सिक्स मंथस के अगर आप न्यूज पेपर को पढ़ते हैं तो आपका जो करंट अफेयर है कहीं ना कहीं वो भी प्रिपेयर हो जाएगा दे नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस एम सी क्यूज अब एम सी क्यूज जो है ये आपके सेल्फ असैसमेंट में हेल्प करता है जब भी आप कोई एक टॉपिक कवर कर लिया जब भी आपका लगे कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया देन एट दैट मोमेंट इट सेल्फ सिट एंड सॉल्व द एम इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने जो चीजें पढ़ी है वो आपको कितनी समझ आई है राइट सो कीप ऑन सॉल्विंग एमसी सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एमसी एंड ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस यू कैन प्रैक्टिस एमसी फ्रॉम सेवरल बुक्स एंड ऑल्सो आर चैनल विल बी प्रोवाइडिंग यू सफिशियंट एमसीक्यूज लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ये मॉक टेस्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह आपको रियल फील देगा एग्जाम का लेकिन मेरी मानो तो अभी यह आप मॉक टेस्ट ना ही दो बिकॉज यू आर नॉट येट प्रिपेयर विद द सिलेबस पहले आप अपने एंटायर सिलेबस को कवर करिए एंड उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए इट वुड बी मच बेटर कि एक बार जब एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए वन मंथ प्रायर और फिफ्टीन डेज प्रायर यू प्रैक्टिस द मॉक्स डेली आई थिंक यू विल बी मच मोर बेनिफिटेड आई वुड लाइक टू गिव यू एन ओवर व्यू ऑफ सी यू ई टी नाउ योर सी यू ई टी एग्जाम इज डिवाइडेड इन टू थ्री सेक्शंस राइट फर्स्ट वन इज योर लैंग्वेज टेस्ट द सेकेंड वन इज डोम स्पेसिफिक एंड दर्ड सेक्शन इज जनरल टेस्ट देर विल बी टोटल फिफ्टी क्वेश्चन फोर्टी क्वेश्चन ठीक है एंड द टोटल टाइम अलॉटेड विल बी फोर्टी फाइव मिनट्स अब मैं आपको बता दू कि अगर हम ट्वेंटी ट्वेंटी डेटा की बात करें तो देन देर वॉज ईच क्वेश्चन वॉज ऑफ

कॉमर्स है तो आपके ऑब्वियसली आपके अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात कर रही सपोज कि वहां पर आपने तीन सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं अकाउंट्स इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज राइट सो अब देखो बी तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर अकाउंट्स में अकाउंट्स में टोटल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे 50, आउट ऑफ फिफ्टी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट कितने करने फोर्टी इन द सेम वे इकोनॉमिक्स में भी आउट ऑफ फिफ्टी क्वेश्चन फोर्टी क्वेश्चन एंड अगेन इन बी एस टी ऑल्सो आउट ऑफ फिफ्टी क्वेश्चन फोर्टी क्वेश्चन सो ऑल टूगेदर द नंबर ऑफ क्वेश्चन हंड्रेड ट्वेंटी क्वेश्चन अगेन योर वन ट्वेंटी क्वेश्चन विल कंप्राइज ऑफ फाइव मार्क्स ईच सो so, आपका जो डोमेन स्पेसिफिक हुआ वो आपके टोटल 600 मार्क्स के हो गए क्लियर नाउ जनरल टेस्ट अब देखिए अभी जो 2022 ट्वेंटी हुआ उसमें डी ने जनरल टेस्ट को कंसिडर नहीं किया लेकिन बी एच यू अलाहाबाद यूनिवर्सिटी और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज ने इन तीनों ही सेक्शंस को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया है सो आउट ऑफ सो आउट ऑफ 75 फाइव क्वेश्चन यू नीड टू 60 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप सेफ साइड में खेलिए राइट आप जनरल टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करिए इससे आपके कई सारे यू नो अपॉर्चुनिटीज आपको और ज्यादा मिलेंगी ठीक है आप और ज्यादा कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं राइट सो नाउ लेट मी टेल यू कि यहाँ पर भी मार्क्स का फिर वही स्ट्रक्चर है कि आउट ऑफ जो आपके 60 क्वेश्चंस है अगेन इट विल बी ऑफ फाइव मार्क्स ईच विच विल कम्प्राइज ऑफ टोटल थ्री हंड्रेड मार्क्स सो ना ऑल आपका जो ये ओवरऑल पेपर है ये इलेवन हंड्रेड मार्क्स का है तो ये रहा आपका ओवरव्यू एग्जाम पैटर्न का अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज पे कि वो अपने कोर्सेस के लिए किन सेक्शंस को कंसिडर कर रहे हैं बाकी आपको प्रिपेयर सारे ही करने हैं यू कांट लीव राइट सो दैट्स ऑल Vidyarthi Pro is here to make you all pro by providing you the best quality content, PDF notes, relevant MCQs, practice sets, as well as mock tests. And I am sure that your dedication, devotion, determination, and perseverance will surely fetch you good marks and you will be able to get your preferred or desired. Course as well as college. And remember, the journey of thousand miles begins with a single step. So take your first step and study hard. Now, Mishilu signing off. And if you find the video informative, do like, comment, share, and subscribe the channel. And don't forget to press the bell icon for further updates till then stay tuned thank you